नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं उनसे मिलाने जा रहे हैं जो कि अजय देवगन और साथ ही साथ गोविंदा के बड़े फैन हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले और उनसे मिलाने से पहले आप सब से छोटी सी रिक्वेस्ट होगा कि हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए। इनका नाम है सूर्यवंश कुमार जो कि बारवाड़ी के रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इनसे ही जानते हैं पूरा जानकारी और पूरा परिचय लेते हैं। सबसे पहले जितने भी देख रहे हैं हमारे दिनेश भाई के व्यूअर्स लोग, सभी को हाथ जोड़ के जोहार जी। मेरा नाम है सूर्यवंश सिंह, मैं बरवाड़ी से बिलोंग करता हूं और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ है। बहुत लंबे समय से मैं एक्टिंग करते आ रहा हूं, बस एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी क्योंकि नहीं मिल पा रही थी, लेकिन हम लोगों ने मिलकर दिनेश जी हो गए और हमारे बहुत भाई लोग जितने भी मतलब अच्छे एक्टिंग करते थे कलाकार लोग हैं, मिलकर हम लोगों ने एक खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश किया है ताकि हम अपने और अपने छोटे जितने भी कलाकार लोग हैं उनको ऊपर ले जाने के लिए ये छोटी सी हम लोग की कोशिश है। बस आप सब की सपोर्ट की ज़रूरत है। सूर्यवंश भाई, आपने बताया कि एक नया शुरुआत करने जाने जिसका चैनल के नाम है, यूट्यूब पे चैनल है मुखिया 90 पे, जिसमें कॉमेडी संबंधित वीडियो आएगा जी, जो कि आज के इस मीटअप में पूरा तरह से बैठक किया गया था। एक हमारे छोटे मोटे जितने भी हमारे आसपास के जो क्रिएटर थे उन लोग आज मीटअप हुआ था, तो इस पर आप काम करने वाले हैं जी। हाँ, उससे पहले आप क्या क्या किए हैं अभी तक? इससे पहले हम ऐसे पहले शॉर्ट ऐप्स जो थे, भीगो थे, लाइकी था, टिकटॉक था, इसमें मैंने काम किया था, लेकिन उस तरह से रिस्पांस वहाँ नहीं मिल पाया। कारण था कि मैं अकेला था और मैंने भी जितने भी लोगों को समेटने की कोशिश की तो पता नहीं किसी कारणवश उन लोग समेटने के बजाय उन लोग दूर होते चले गए, तो मैं अकेला रह गया। फिर भी मैं एक्टिंग करते रहा खुद से करते रहा और बस एक मौके की तलाश में मैं था। अच्छा, वीडियो बातें को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक डायलॉग सुनना चाहेंगे अजय देवगन और या गोविंदा जी का, जो भी आपके माइंड में भी चल रहा हो, सबसे जो आपका लिए खास हो वो हम सुनना चाहेंगे। हाँ, वैसे तो मैं अजय सर को बहुत 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 अजय सर को बहुत बचपन से उनको पसंद करते आ रहा हूँ, तो ज़्यादा नहीं मैं एक डायलॉग सुनाऊँगा जी जो बहुत फेमस है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती छूट गई वहाँ जहाँ पानी कम था। वाह 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 वाह। दोस्तों, हमारे गांव के भी लोगों में टैलेंट होता है लेकिन अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण गांव के लड़के बढ़ नहीं पाते हैं। इनका जीता जागता प्रूफ है हमारे सूर्यवंश भाई, जो कि इनके अंदर कुट कुट के एक्टिंग और डांसिंग का भरा हुआ है। तो आगे आप काम करने वाले हैं मुखिया 90 यूट्यूब चैनल पे, आपका हम जर्नी जानना चाहेंगे कि आप कब से इस तरह का काम स्टार्ट किए। आज जैसे कि मैंने अभी बताया कि वैसे तो मैं इसी की बात करूं तो मतलब जब से मैंने अजय सर को देखा था, अजय सर को जब से मैंने 2004 में एक मूवी देखी थी विजय पथ, उसी से मतलब मेरे को लगा था कि नहीं मैं कुछ करूंगा तो इनके जैसा ही करने की कोशिश, मतलब जहन में आया था, बच्चा था उस टाइम। अच्छा अच्छा। तो उधर तो पढ़ाई के टाइम उधर स्टॉप रहा, तब जब से मतलब मैं 10th पार किया तो एक्टिंग का कीड़ा मेरे अंदर जगने लगा। एक दूसरे को देखते देखते मैंने एक्टिंग सीखा और भीगो लाइकी टिकटॉक की देन है जो मैं धीरे धीरे एक्टिंग को इम्प्रूव मतलब कुछ सुधार पाया हूँ। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे पता चला यूट्यूब पे कैसे काम करते हैं। यूट्यूब पे भी मैंने काम किया, लोगों के साथ किया, बहुत से है। मेरा एक दो चैनल है, एक द सूर्या फुल एंटरटेनर है जिसमें मैं उसमें हर तरह के कॉमेडी वीडियो भी बना के रख चुका हूँ। तो मैंने समेटने की बहुत कोशिश की लेकिन अकेला बंदा क्या करेगा, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने मिल के जो आज एक मीटअप रखा उसमें सभी कलाकार लोग मिले, जिससे हम सभी को एक अलग एनर्जी मिली है, ताकत मिली है और एक नए उमंग नए जोश के साथ हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को देखते हुए हम सूर्यवंश भाई से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वैसे हमारे मित्र हैं, इनके बारे में पूरा जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे, पूरा जीवनी के लेंगे, लेकिन लास्ट में एक और डायलॉग हम सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ, किसका डायलॉग सुना है? गोविंदा जी का सुना दीजिए, आपने तो अभी अजय देवगन के सुना है लेकिन गोविंदा जी का सुना दीजिए। तो एक डायलॉग है गोविंदा सर का कि अबे हटा सावन की घटा, खा खुचा बत्ती बुझा के सोजा, निंटकले पिंटकले मंटी पे खड़े ले, आंटी बार बार बजा रही ले घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम ले बहुत हो लोया, फुटले उठले चल सना बन क्या बाहर छोड़ गया।
वाह वाह वाह। चलिए दोस्तों वीडियो के अंत करते हैं, लेकिन अंत करने से पहले आप सबों के एक और हमारे मित्र हैं लव जी हैं, और लव जी कुछ हमें सुनाने वाले हैं और आप सबों के भी कुछ दिखाने वाले हैं। तो लव जी अपना थोड़ा सुनाइए। चलिए हम आपको अपने माध्यम से जो भी कला है उसके माध्यम से कुछ सुनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। जी तो मान के चलिए कि अगर यहाँ पर आनंद मोहन आ जाए तो यहाँ पर कैसे बोलते हैं? अरे हम तो कह रहे हैं ना कि दिनेश भाई के YouTube चैनल को इतना सब्सक्राइब कीज कर दीजिए ना कि अकबका जाए कि इतना सब्सक्राइबर कहाँ से आ गया। तो चलिए दोस्तों वीडियो के यहीं पे अंत करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।